मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविध भव दुख निको करी है सतानाश करी है सतानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। बहुत ही मौलिक चिंतन प्रस्तुत करते हैं टोडरमल जी साहब किसी भी विषय में, और आज जो विषय हमारा यहाँ चलने वाला है यह तो सच में टोडरमल जी का अत्यंत मौलिक चिंतन है। माने ऐसा स्वरूप और ऐसी चर्चा आपको कहीं भी दूसरी जगह पर देखने को नहीं मिलेगी। दुखों के संदर्भ में कर्म की अपेक्षा से चर्चा और पर्याय की अपेक्षा से चर्चा तो बहुत जगह पर मिल जाएगी, बहुत ग्रंथों में मिल जाएगी, लेकिन आज जो प्रकरण शुरू करने वाले हैं दुख के सामान्य स्वरूप के संदर्भ में, ये टोडरमल जी साहब का बिल्कुल गहरा और स्वयं का मौलिक चिंतन है। इच्छाएं दुख का कारण है यह बात भी आपको बहुत शास्त्रों में मिल जाएगी, लेकिन वे इच्छाएं चार प्रकार से हैं। इच्छाओं को चार प्रकार से वर्गीकरण और उस रूप से इस जीव के दुखों को बांटना, ये अपने आप में एक अद्भुत बात यहाँ टोडरमल जी साहब ने प्रस्तुत की है। देखिए, कर्मों की अपेक्षा से जो दुख बतलाए और पर्याय अपेक्षा से जो दुख बतलाए, उन सब दुखों में एक बात कॉमन थी। वो कॉमन बात क्या है? ऐसी कौन सी बात थी जो बात महत्वपूर्ण है? ऐसी कौन सी बात थी जो सभी पर्यायों में लागू होती है? ऐसी कौन सी बात थी जो विविध प्रकार के कर्मों में भी लागू होती है? माने ज्ञानावरणी कर्म का उदय, अब कह रहे हैं ज्ञानावरणी कर्म का उदय या क्षयोपशम, जो कुछ भी परिस्थिति बनी उस परिस्थिति में तेरे को इच्छा होगी ना। इच्छा दुख का कारण है, क्षयोपशम दुख का कारण है। बहुत ही सुंदर और मार्मिक प्रकरण है, पेज नंबर है 7070, 70 नंबर यह पेज है, और ये तीसरे प्रकार का वर्णन है जिसमें कह रहे हैं दुख का सामान्य स्वरूप। सामान्य रूप से दुख क्या है? दुख का सामान्य स्वरूप, सामान्य जानते हैं आप किसे कहते हैं? सामान्य उसे कहते हैं जो सब में पाया जाए। बहुत सारे स्वाध्यायी लोग हैं हमारे जो विशेष गुण हैं और जो सामान्य गुण हैं, क्या फर्क है दोनों में? जो सब में पाए जाए वो सामान्य है। भाई साहब, मैंने एक मनुष्य देखा, मैंने मनुष्य देखा कि क्या विशेषता थी उसमें कि उसके दो हाथ थे। अरे मनुष्य के दो हाथ होते हैं तो सामान्य बात है, सबके होते हैं। नहीं, एक मनुष्य देखा मैंने जिसके दो आंखें थी। अरे सभी मनुष्यों के दो ही आंखें होती हैं। तो जो बात सब में पाई जाए उसे कहते हैं सामान्य। अब ये कह रहे हैं दुख का सामान्य स्वरूप। दुख का सामान्य स्वरूप इसका मतलब क्या हुआ? जो सर्व प्रकार के दुखों में पाया जावे उसका नाम है दुख का सामान्य स्वरूप। आप जहां जहां दुखी हैं, आप जिस जिस परिस्थिति में दुखी हैं, आपको जिस जिस अवस्था के अंदर दुख होता हुआ नजर आ रहा है, उन सब में कॉमन बात क्या है? बोले एक ही कॉमन बात नजर आएगी, और वो कॉमन बात है इच्छाएं। देखिए, अब इस सर्व दुख का सामान्य स्वरूप कहते हैं
दुख का लक्षण आकुलता है और आकुलता इच्छा होने पर होती है। इसका मतलब सब प्रकार के दुखों में एक कॉमन फैक्टर निकल करके सामने आएगा जिसका नाम है आकुलता। ये दुख का लक्षण है। ये जीव दुखी है या नहीं है पहचानो साहब आप। कि साहब कैसे पहचाने ये जीव दुखी है या नहीं है, इस बात को कैसे पहचाना जाए? बोले यदि उसके पास में आकुलता थी तो वो दुखी है, और यदि उसके पास में आकुलता नहीं थी तो वो दुखी नहीं। माने दुख का एकमात्र लक्षण है आकुलता। मैं तो मतलब इसको इतना विस्तार दिया जा सकता है, जितनी जितनी आकुलता उतना उतना दुख, जहां जहां आकुलता वहां वहां दुख, जहां आकुलता नहीं है वहां दुख भी नहीं है। जितनी आकुलता की कमी उतनी शांति, और जितनी आकुलता बढ़ती चली जाएगी उतना दुख बढ़ता चला जाएगा। माने ऐसा भी कह सकते, लक्षण कह रहे हैं, लक्षण, लक्षण जानते हैं आप क्या होता है? लक्षण उसे कहते हैं, शाम को चर्चा की थी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मैंने, जो अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव नाम के दोष से रहित हो वो लक्षण कहलाता है। लक्षण उसे कहते हैं जिससे पहचाना जाए। लक्षण पहचान का चिन्ह है। लक्षण में अव्याप्ति नहीं होना चाहिए, लक्षण में अतिव्याप्ति नहीं होना चाहिए, लक्षण असंभव दोष से दूषित नहीं होना चाहिए। जिस चीज का, जिस बात का लक्षण बनाया जा रहा है उसमें वो लक्षण अनिवार्य रूप से पाया जाना चाहिए। जैसे जीव का लक्षण चेतना है, जीव का लक्षण उपयोग है, तो प्रत्येक जीव मात्र में पाया जाता है। अब ये कह रहे हैं दुख का लक्षण आकुलता है, तो इसका मतलब दुख कोई भी हो, चाहे सर दर्द होने का दुख हो, चाहे पेट दर्द होने का दुख हो, चाहे परिवार में किसी के वियोग हो जाने का दुख हो, चाहे बिजनेस में लॉस हो जाने का दुख हो, चाहे पड़ोसी को देख देख करके दुखी हो रहे हो, बोले एक ही लक्षण है आकुलता। समझ में आ रही है बात? किसी के डांट देने पर हो जाने वाला दुख, बोले लक्षण एक ही है आकुलता। आपको आकुलता हो रही होगी उसमें। हिसाब, ये आकुलता होती क्यों है? ये आकुलता क्यों होती है? बोले आकुलता के साथ में संबंध रखने वाला एक और है कुछ, उसका नाम है इच्छा। कह रहे दुख का लक्षण आकुलता है, और आकुलता इच्छा होने पर होती है। एक तो कह दिया टोडरमल जी साहब ने यहां लक्षण, और दूसरा कह दिया इच्छा होने पर होती है। इच्छा होगी ना तो आकुलता होगी, इच्छा होगी तो आकुलता होगी। और हम सब जानते हैं ये जीव इच्छाओं से दुखी है, इच्छाएं जीव के दुख का कारण है। पीछे हमने किसी पेज पर आत्मानुशासन का एक श्लोक पढ़ा था, इसी ग्रंथ में टोडरमल जी साहब ने कोट किया था, आशा गर्त है प्रति प्राणी यस्मिन विश्वमनुपमम कस्य किम की दायाति व्रथा वो विशेषता। आशा गर्त है इच्छा रूपी गड्ढा, इच्छा इच्छा ये इच्छाएं दुख रूप हैं। अब टोडरमल जी साहब ने यहाँ उन इच्छाओं को, टोडरमल जी साहब ने इन इच्छाओं को चार प्रकार से इच्छाओं को यहाँ विभाजित किया है, ठीक है ना? देखते हैं यहाँ चार प्रकार की इच्छाएं। शुरू करें प्रकरण, दुख का लक्षण शुरू कर रहे हैं, दुख की बातें शुरू कर रहे हैं। दुख की बातें, भाई साहब ये दुख की बातें क्यों कर रहे हो यार, सुखी होने की बातें करो ना। सुनो, ये दुख की चर्चाएं दुखी होने के लिए नहीं है, ये दुख की चर्चाएं दुख का रोना रोने के लिए नहीं है, ये दुख की चर्चाएं सर फोड़ने के लिए नहीं है। इन दुख की चर्चाओं को करते हुए यदि तेरे अंदर में दुख दूर करने की भावना हो तब तो तेरी बात बिल्कुल बराबर है। सुधीर जी भाई साहब कह रहे हैं 56 नंबर पेज पर है भाई वो आशा करते हैं वाली बात, ठीक है, बढ़िया साहब धन्यवाद। 56 नंबर पेज पर थी वो आशा करते हैं वाली बात, माने इच्छा से दुखी है। इच्छाएं, अरे तेरा इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कभी भरता नहीं है, सारा विश्व जिसके अंदर अणु की उपमा के समान है, ऐसी है तेरी इच्छाएं। नहीं नहीं बड़े इतनी तो नहीं है, कैसी बात कर रहे हैं वहाँ, मतलब इतनी सी इच्छाएं हमारी तो बस एक पोते का मुंह देख ले, मैं बस इतनी सी इच्छाएं बहू आ जाए, बस इतनी सी, बस और ज्यादा नहीं है, इतनी सी इच्छाएं अच्छी जॉब लग जाए, मैं इतनी सी इच्छाएं इतना सा इंक्रीमेंट हो जाए। समझ में आ रही है बस इतनी सी और ज्यादा बहुत, आप क्या बात कर रहे हो, विश्व की बात, इतनी कोई लंबी चौड़ी इच्छाएं थोड़ी ना हमारी। सुन भाई तेरी इच्छाओं का ठिकाना नहीं है,
वो जब भी हमने चर्चा की थी उस प्रवचन को आप सुनेंगे तो वहाँ उसमें डिटेल में सारी बातें मिलेगी, माने वो दुख रूप किस प्रकार से है, यहाँ भी उससे कुछ जुड़ा हुआ प्रकरण है। इस संसारी जीव के इच्छा अनेक प्रकार पाई जाती है, अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं। अब चार प्रकार की इच्छाएं हेडिंग में भी दे दिया, चार प्रकार की इच्छाएं आप लोग याद कर लीजिए, चार प्रकार की इच्छाएं। और जहां जहां आपको दुख महसूस हो रहा हो वहां आप गहराई से देखना। क्या देखना? गहराई से। आप गहराई से ये देख पाएंगे कि आपको आकुलता हो रही है या नहीं, और सूक्ष्मता में जाकर के देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हमारे कोई जो आकुलता हो रही है इच्छा की वजह से हो रही है। बोले चार प्रकार की इच्छाएं हैं। नंबर वन, पहले प्रकार की इच्छा विषय ग्रहण की इच्छा। पॉइंट बना लो चार, याद रखने के लिए चार प्रकार की इच्छाओं के लिए चार पॉइंट बना लीजिए। क्या क्या है चार प्रकार की इच्छाओं के चार पॉइंट? नंबर वन, विषय ग्रहण की इच्छा, याद रहेगा विषय ग्रहण की इच्छा। अभी टोडरवल जी इसको तीन लाइन में चार लाइन में समझाएंगे, अभी पढ़ेंगे अपन तो बात समझ में आएगी। दूसरे प्रकार की इच्छा है कषाय की इच्छा, माने कषाय अनुसार कार्य करने की इच्छा। पहली हो गई विषय ग्रहण की इच्छा, दूसरी हो गई कषाय अनुसार कार्य करने की इच्छा। विषय कषाय बोलते हैं ना अपन, ये जीव विषय कषाय के चक्कर में फंसा हुआ है, ये जीव विषय कषाय के चक्कर में उलझा हुआ है, ये जीव विषय कषाय विषय कषाय। कि क्या है ये विषय कषाय? विषय ग्रहण की इच्छा और कषाय हुई उसके अनुसार काम करने की इच्छा। और तीसरे प्रकार की इच्छा है पाप के उदयजन्य इच्छा। पाप के उदयजन्य जो परिस्थितियां बनी है उन्हें दूर करने, पापोदय को दूर करने की इच्छा, ये नंबर तीन। और नंबर चार है पुण्योदय में होने वाली इच्छा, पुण्य के उदय में भी इच्छा होती है। तीसरी कही थी पाप के उदय में, और चौथी कही थी पुण्य का उदय, ये चौथी प्रकार की इच्छा है। अब देखें जरा इन चार प्रकार की इच्छाओं में पहले प्रकार की इच्छा, पहले प्रकार की इच्छा का नाम क्या है बता सकते हैं? याद करना है, याद करना है, इसलिए याद करने की मैं कह रहा हूं कि ये बात याद नहीं करेंगे तो आप आगे आने वाले 24 घंटे में महीने भर, छह महीने, साल भर, लाइफ टाइम इन बातों को फील नहीं कर पाएंगे। फील करने के लिए चाहिए आपके दिमाग में, दिमाग में होगी आप फील कर पा रहे हैं, जब आपके दिमाग में है, जब आप महसूस कर पा रहे हैं तो फिर आप उससे बचने की कोशिश करेंगे, फिर आप इसका उपाय सोचेंगे। माने उपाय तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक यह बात महसूस नहीं हो कि मैं इस वजह से दुखी हूं। ये इतने अभ्यस्त हो गए हैं, इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि हमें ये दुख दुख रूप भाषित नहीं होता है, हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं यहां दुखी हूं, मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि मैं परेशानी में हूं। सही, आप सोचो जरा गहराई से। ये कह रहे हैं सबसे पहली एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है, उससे यह देखना जानना चाहता है। बोलो आपको ऐसी इच्छा होती है या नहीं? विषय ग्रहण की इच्छा जिससे ये देखना जानना चाहता है, इसका मतलब जानना तो स्वभाव है और जानने की इच्छा ये दुख है। जानना दुख का कारण नहीं है, पॉइंट नोट करना, समझना गहराई से। जानना देखना दुख का कारण नहीं है, क्योंकि जानना देखना ही यदि दुख का कारण हो जाए तो हमारे अरंत और सिद्ध भगवान महादुखी हो जाए। इसलिए जानना देखना तो दुख का कारण नहीं हो सकता। तो फिर साहब ये पहली तो यही कह रहे हैं जानना देखना, बोले जानना देखना नहीं, चाहता है, ये चाह दुख का कारण है। मैं जानू, ये विषय ग्रहण करने की इच्छा है, मैं इस चीज को जानू, मुझे मुझे पता लगे। पता लगना चाहिए, पता लगना चाहिए। आप देखो जानने देखने की इच्छाओं को थोड़ा सा दौड़ा करके देखो, आप सुबह उठने से आपकी जानने की इच्छाएं चालू होती है और आप दुखी हैं उस जानने की इच्छा से। यदि जानना नहीं हो पाता है तो आप दुखी हैं। देश में क्या हालात हो रहे हैं जानो यार, न्यूज़पेपर बदल करके देखो, आज क्या आया, आज क्या खबर है। या तो स्वयं पढ़ेगा, और स्वयं ने नहीं पढ़ा हो तो जो पढ़ रहा है उससे पूछेगा क्या खबर आई है भाई साहब, आज क्या खबर है, क्यों भाई, क्यों जानना चाहता है। जयपुर में क्या हो गया, जोधपुर में क्या हो गया, वहां क्या हो गया, वहां क्या हो गया, उस जगह पर क्या हुआ, अमेरिका के क्या हालात है, वहां कैसा हो गया है, वुहान में सही हो गया है क्या, चाइना की क्या स्थिति है,
ये जानना चाहता है। कदम कदम पर यदि इसकी जानने की इच्छाएं इतनी तीव्र न हुई होती तो इतने न्यूज़पेपर्स नहीं चलते, इतने न्यूज़ चैनल नहीं चलते। लेकिन ये बदल बदल करके जानना चाहता है, खेल के बारे में जानना चाहता है, स्कोर जानना चाहता है। स्कोर क्या हो गया, राजनीति में क्या हो रहा है, पड़ोसी के बारे में कुछ सुने तो तुरंत जानना चाहता है। और कोई व्यक्ति यदि इतना सा कह दे ना आपको कि भाई साहब आपके बारे में वो कुछ कह रहे थे, हमने 4 बार आपसे बात कही, सुन नहीं रहे हैं आप, और हमने कहा सुनो आपके बारे में वो ऐसा कह रहे थे, तो तुरंत कान खड़े हो जाते हैं, तुरंत जानने की इच्छा हो जाती है। ये जानने की इच्छा के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं। गुरुदेव कहा करते थे जानने के लोभ में सारा संसार है, ये सारा संसार जानने जानने के लोभ में उलझा हुआ है। ढोल बजने लग गए, क्या हुआ क्या हुआ, देखना क्या हुआ, एकदम कोई धमाका हुआ, देखो क्या हुआ, हर बात को जानना चाहता है। इच्छाएं इस जीव की जानने की। अभी ये सिर्फ जानने के संदर्भ में नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं विषय ग्रहण करने की इच्छा। अब विषय है 5 प्रकार के, जैसे वर्ण देखने की, अब लगाओ कोई बाजार से कोई चीज नई लेकर के आए, मैं भी देखना चाहता हूं, जुलूस लग रहा है, आया है, मेला है, देखने की इच्छा होती है, नई मूवी है, देखने की इच्छा होती है, नया सीरियल किसी के बारे में जाना, देखने की इच्छा होती है। अरे अनेक लोगों को ऐसी भी इच्छा होती है कि ये संजीव जी बोलते क्या है, एक बार सुन करके तो देखो, तो कभी सुनने की इच्छा। ये कह रहे हैं राग सुनने की इच्छा, प्रवचन सुनने की इच्छा, समय से सुनने की इच्छा, कभी देखने की होती है, कभी सुनने की होती है, कॉमेंट्री सुनने की इच्छा, ये सुनने की इच्छा है, नई नई चीजें देखने की, चक्षु इंद्री का विषय, घूमने फिरने के लिए जाता है, कहता है एक बार देख करके तो आना चाहिए, देख करके तो आना चाहिए, देखने में क्या दोष है, देखने में क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ग्रहित मिथ्यात्व के संदर्भ में मेरे पास में प्रश्न करते हैं। पिछले वर्षों में कई बार मेरे सामने इस प्रकार का प्रश्न आया कि पंडित जी इनके मंदिर में जा सकते हैं कि नहीं, उस जगह पर जा सकते हैं, नहीं नहीं देखने के लिए जा सकते हैं कि नहीं, उस जगह पर देखने में जाने में भी ग्रहित मिथ्यात्व का दोष लगेगा क्या। बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं, भाई तू क्यों जाना चाहता है, देखना है मुझे, जानना है मुझे कैसा बनाए, अरे देख करके तो आओ आप, क्या शानदार बनाए। लेकिन इसका जवाब एक वाक्य के अंदर नहीं दिया जा सकता है, लंबा प्रकरण है, 5-10-15 मिनट कहूँ तब जा करके समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। हमारे प्रियंक जी शास्त्री हैं रैली वाले, उनको ऑडियो भेजा था मैंने बना करके, मैंने वो आप शॉर्ट में नहीं कह सकता मैं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसमें बहुत तरह की कंडीशन लगेगी, जाने में तो पाप लगेगा लेकिन पाप की मात्रात्मक जो भेद है वो विविध प्रकार का होगा। आप क्या जान रहे हैं, आप क्यों जान रहे हैं, आपके जानने के पीछे हेतु क्या है। अभी देखो आप, आपकी ये जानने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग के बारे में बताओ ना पंडित जी थोड़ा सा और डिटेल में, ये क्या है बोलो, और सुनने की इच्छा है मुझे, निकोदिया के बारे में थोड़ी सी और डिटेल बतलाओ, थोड़ा सा सिद्धों के बारे में और थोड़ा सा बतलाओ ना, ज्यादा डिटेल मिलती नहीं है। नरक के बारे में थोड़ा सा और बतलाएंगे क्या आप, क्या माने कितनी कितनी हर कदम कदम पर इच्छाएं, बिना इच्छा के कोई काम करता हुआ दिखाई नहीं देता है। अभी 4 जगह पर बांटेंगे उसको। पहले नंबर पर सिर्फ जानने देखने के संदर्भ में कह रहे हैं वर्ण देखने की इच्छा। चिड़ियाघर में जाता है क्या देखने के लिए जाता है, देखने ही तो जा रहा है ना, देखने की इच्छा है। म्यूजियम में जाता है क्यों जा रहा है, देखने की तो इच्छा है ना। अच्छे अच्छे हिल स्टेशन पर जाता है, हिस्टोरिकल पैलेस देखने के लिए जाता है, किले देखने के लिए जाता है, देखने की तो इच्छा है ना। इच्छा नहीं हो तो क्यों जाए बतलाओ मेरे को। और अपनी शक्ल देखने की इच्छा, अपनी फोटोएं देखने की इच्छा, ये सब देखने देखने की इच्छाएं हैं। घर को सजाता है सुंदर दिखे, ये देखने की इच्छाएं हैं आपकी, और उसकी चक्कर में आकुलित होकर के आप दुखी हो रहे हैं। फिर राग सुनने की कह दी, अव्यक्त को जानने की। ओहो पहले तो 5 इंद्रियों के अंदर लगाओ, क्योंकि विषय ग्रहण 5 इंद्रियों के माध्यम से होता है। स्पर्शन इंद्री की इच्छा, छूने की इच्छा हो रही है, क्या मन हो रहा है या टच करके देखो यार, तो छू करके देखो देखें कैसा है। कहीं भी कोई चीज देखता है, सुंदर चीज देखता है, जगह देखता है, मन करता है एक बार देखो तो सही, ये दीवार कैसी है, ये मेटेरियल कैसा है, टच करके देखो उसको, स्पर्श।
चख करके देखने की इच्छा, यार एक बार टेस्ट करके। बाजारों में जाता है, देखता है नमकीन की दुकान पर, ये जो सौंफ सुपारी आदि की दुकान पर चख चख करके देखता है, वो भी कहता है टेस्ट करके देखो। अरे एक बार देखो तो सही भाई साहब, हम कह रहे हैं एक बार टेस्ट तो करो आप इसको, ये सौंफ कैसी है, ये इलायची कैसी है, ये कैसा है, ये खटाई कैसी है, ये नान खटाई कैसी है, ये बहुत बहुत चीज़ें, एक एक चीज़ के बारे में टेस्ट करो, टेस्ट करो। चख के देख, चखने की इच्छा है, फिर सूंघने की इच्छा है, घ्राणेन्द्रीय संबंधी इच्छा दिखाई देती है, स्पर्शन रसना घ्राण, अरे देखो तो सही एक बार, मेरे कहने से देखो आप, सूंघने की इच्छा, देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा। यहाँ टोडरमल जी साहब ने दो प्रकार के तो कह दिए, वर्ण देखने की और राग सुनने की, वर्ण देखने और राग सुनने दो की प्रमुखता से बात कही है, क्योंकि ये दो ज्यादा हैवी हावी दिखाई देती है हमारे ऊपर। फिर अव्यक्त को जानने की, प्रकट नहीं है, क्या है यार, क्या है पता नहीं, एक फुरफुरी छोड़ दो आप थोड़ी सी किसी चीज के बारे में, अब देखो आप फिर अंदर इसके पेट में जो चलती रहती है, जैसे मैंने कहा था ना आपके बारे में कह रहे हैं, और फिर चुप हो जाओ आप, कुछ मत बतलाओ, आपके बारे में वो कैसी कैसी बातें मुझे कह रहे थे मैं बता नहीं सकता, कौन कह रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, अब ये बताएं नहीं तो उसको चैन नहीं पड़ेगी, हो सकता है रात भर नींद नहीं आए, ये बात जान करके रात भर नींद नहीं आए, ये सोच करके कि यार ये क्या, आखिर बात क्या थी, आखिर हुआ क्या है, आखिर ये क्या है ऐसा, आखिर ये जानता क्या है, वो अव्यक्त प्रकट नहीं है बात, अव्यक्त माने छिपी हुई बात है, अव्यक्त माने ढकी हुई बात है। देखो व्यक्ति को जो चीज नहीं दिखाई देती है, जो चीज नहीं मिलती है, जो चीज प्रकट नहीं है, जो चीज उसके अनुभव में नहीं आ रही है, उसकी विशेष रूप से इच्छा वर्तती है, इसका नाम है अव्यक्त। व्यक्त माने होता है प्रकट, अव्यक्त माने प्रकट नहीं है, अव्यक्त की इच्छा। समझ में आ रही है बात, अव्यक्त को जानने की इच्छा इत्यादि इच्छा होती है, वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है। ये गजब का शब्द है, क्या ये जो लिखा है ना, वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है, ये गजब का शब्द है। और आपको जान अभी नीचे पढ़ेंगे अपन, ये जो अन्य कोई पीड़ा नहीं है, ये पहले और दूसरे पॉइंट में तो लिखा, लेकिन तीसरे पॉइंट के अंदर नहीं लिखा, क्योंकि पाप के उदय में तो पीड़ा है, यही पीड़ा है। ये कह रहे हैं विषय ग्रहण करने की इच्छा। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसमें दुख किस बात का है, कोई विषय नहीं जानने में आए तो नहीं जानने में आए, इसमें तकलीफ किस बात की है? जैसे हम उदाहरण देते हैं ना पर्दा लगाने का, और फिर उस पर लिख दो कृपया पीछे न देखें, तो ये जो बात है उसकी गहराई में उदाहरण को बहुत लंबा किया जा सकता है, बहुत विस्तार दिए जा सकते हैं, माने ये जो है तुम्हारे इसमें जहन में जो ये बैठा हुआ है, क्या है, क्या है, क्या कहा, कैसा है, कैसा है। माने आपके घर में कोई व्यक्ति अपनी पुत्री के लिए लड़का देख करके आया, आपकी इच्छा होती कैसा था, कैसा था बताओ तो सही, कोई बोलो, ये कुछ बोलते ही नहीं है, ये कुछ बताते ही नहीं है। मार्केट में क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, सब्जी मंडी में क्या हो गया है, उस जगह पर क्या हो गया है, ये क्या है, देखो तो सही, देखो तो सही, कोई खेल दिखा रहा है, कोई तमाशा दिखा रहा है, देख तो लो देखने में क्या जाता है, तो इच्छा होती है इसकी, ये सब विषय ग्रहण करने की इच्छा है। लेकिन गहराई में जाकर के देखो तो टोडरमल जी कह रहे हैं वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है, माने सच में वस्तु स्थिति में जाकर के देखो तो जानने देखने इसमें कोई पीड़ा थी नहीं, लेकिन जो तूने इच्छा उत्पन्न कर ली ना, इसलिए पीड़ित हो गया, बाकी कोई दूसरी कोई इच्छा कोई दुख था नहीं वहां। अच्छा नहीं जानने में आया तो नहीं जानने में आया, अब इसमें क्या हो गया, लेकिन नहीं क्यों नहीं जानने में आया, मुझे क्यों नहीं बताया, ये बताओ आप, घर घर में झगड़े हो जाते हैं भाई साहब, हमें बताया क्यों नहीं, हमें बताना चाहिए था, हमें क्यों नहीं बतलाया, हमें क्यों नहीं पता है इस बात का, ये विवाद खड़े हो जाते हैं, ये इच्छा है। परंतु जब तक देखता जानता नहीं है तब तक महाव्याकुल होता है, इस इच्छा का नाम विषय है। नाम भी दिए टोडरमल जी ने, स्वयं ने ही नाम दे दिए हैं, इस इच्छा का नाम क्या है, बोले विषय की इच्छा। और दुखी किस बात से हो रहा है, जब तक देखना जानना नहीं हो पाए, जब तक पता नहीं लगे ना, फांस तनक सी तन में साले, ऐसा 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 है, शरीर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जो
अटक गई है ना सुई किसी जगह पर, जब तक उसका निपटारा नहीं हो जाए, उन्होंने आखिर मेरे बारे में ऐसा कहा कैसे? पता तो लगे, पता लगा करके रहूंगा मैं। अब इसके चल रही है षड्यंत्र, चल रहा है दिलो दिमाग में, आखिर हुआ कैसे था, फिर क्या हुआ था, फिर क्या था, पता तो करेंगे। उनसे पूछेगा, उनसे पूछेगा, उनको फोन करेगा, दुनिया भर की बातें चलती रहेगी दिमाग में। सोचो जरा, आपके दिमाग में ऐसा होता है या नहीं? सोचना जरा, आपको इस प्रकार की इच्छा वर्तती है या नहीं? आप गहरे से विचार करना, ऐसी इच्छा आपके है या नहीं? बोलो जरा, आपके इस प्रकार की इच्छा है क्या? मैं देखूं, जानूं, सुनूं, पढ़ूं, आपके इस प्रकार की इच्छा है क्या? यदि आपके इस प्रकार की इच्छा पाई जाती है, तो इस इच्छा का नाम है विषय की इच्छा। और जब तक यह इच्छा पूर्ति नहीं होती है, तब तक टोडरमल जी कह रहे हैं महाव्याकुल होता है, व्याकुल नहीं महाव्याकुल होता है। क्या देखिए, इच्छा समाप्त हो जाए तो मोक्ष मार्ग शुरू हो जाए। सही कह रहे हैं भाई साहब। देखिए तीन दो नंबर का पॉइंट, तथा इच्छा कषाय भावों के अनुसार कार्य करने की है। एक इच्छा कषाय भावों के अनुसार कार्य करने की है। अब ये विषय ग्रहण का चक्कर नहीं है इसमें। पहले में तो कहा ये विषय ग्रहण करने में आ जाए, पहले में तो कहा ये विषय जानने में आ जाए, ठीक है ना? और दूसरे में ये बात कह रहे हैं कषाय के अनुसार कार्य करने की होती है। जिससे वह कार्य करना चाहता है, गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, ये ऐसा हो जाए, टोडरमल जी ने एग्जांपल दिए जैसे बुरा करने की। अब बताओ, बुरा करने की इच्छा के अंदर जानने की इच्छा नहीं है, इसका बुरा हो जाए, बस बस इसका बुरा हो जाए। ये जो इच्छा वर्त रही है, खुद ही सोच रहा है काश इसका बुरा हो जाए, काश ये मर जाए, काश इसका ऐसा हो जाए। अब इसकी इच्छाएं चल रही है अंदर में, इसको नुकसान हो जाए, इनकम टैक्स वाले आए थे इसके घर में आ जाए, इसके ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये कषाय भाव है। कैसा कषाय भाव है? दूसरे का बुरा करने की इच्छा, फिर हीन करने की इच्छा, नीचा दिखाने। देखो, बुरा करने की इच्छा ये क्रोध जन्य इच्छा है, क्रोध कषाय में। हीन करने की इच्छा इसमें मान कषाय है। इच्छा तो है, लेकिन याद करना पेज नंबर 39 हिंदी वाली पुस्तकों में, इसी ग्रंथ का, क्रोध से दूसरे के बुरा करने की इच्छा तो हो, लेकिन कार्य होना भवितव्य के अधीन है। मान से मेहनतता की इच्छा तो हो, लेकिन कार्य होना भवितव्य के अधीन है। मायाचार से छल ग्रहण करे और कार्य सिद्धि की इच्छा तो हो, तो फिर हो जाएगा क्या? काम होना भवितव्य अधीन है। लोभ से इष्ट प्राप्ति की इच्छा तो हो, तो प्राप्त हो जाएगा क्या? होना भवितव्य अधीन। अब देखो कितना गजब की बात आ गई है, वहां भी की थी चर्चा और यहां भी वापस कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, बुरा करने की इच्छा हुई तुझे, इसका बुरा हो जाए, ये इच्छा है तेरे मन में, अब उसका बुरा होना तो भवितव्य अधीन। अब काम तो भवितव्यता के अनुसार होगा। यदि तू इस वस्तु स्वरूप को जान ले वे, तो तेरी ये इच्छा ही क्यों होवे? अब ये तेरी इच्छा क्यों दुख का कारण बनेगी? क्योंकि काम भवितव्यता के अनुसार हो रहा है, तेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। इच्छा के अनुसार काम होता नहीं है, महाव्याकुलित बना रहता है, दुखी होता है, अपार पीड़ा है जीव को। बुरा करने की इच्छाएं वर्तती रहती है इसकी, दूसरे का नुकसान करने की इच्छा वर्तती रहती है। जगत में ऐसा कथन प्रसिद्ध है ना, ये जीव अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरे के सुख से दुखी है। चाहे नेहरू जी का वाक्य, ये जीव अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे का सुख देख देख करके देख दूसरों की बढ़ती को सदा ईर्ष्या भाव धरे। ये जगत की वृत्ति है। और मेरी भावना कैसी है? देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं, ये मेरी भावना होनी चाहिए। और है कैसी जगत के जीव की वृत्ति? सदा ईर्ष्या, सदा ईर्ष्या। ये इतना सुंदर क्यों है? इनके घर में लड़का कैसे हो गया है? इनके घर में इतनी सुंदर बहू कैसे आ गई? इनके घर में शांति कैसे रहती है? इनके घर में झगड़ा क्यों नहीं होता है? अब ये खाम खां की इच्छा है। अभी जानने वाने से कुछ लेना देना नहीं है इसमें, जानने देखने का मतलब नहीं है, विषय ग्रहण करने की इच्छा नहीं है। हाँ, इसमें यदि ये इच्छा हो जावे कि दूसरे के घर में चल क्या रहा है, तो फिर वो विषय ग्रहण करने की इच्छा हो जाएगी। बारीक बारीक अंतर है इनमें। दूसरे के घर में चल क्या रहा है, ये जो विचार आया, ये तो जानने की इच्छा है।
ये तो विषय ग्रहण करने वाली इच्छा हो गई। अब ये इच्छा हुई जानने के बाद इसका बुरा हो जाए, उनके अटैक आ गया। ऐसा सुना, मान लो आपके दुश्मन के अटैक आ गया, खतरनाक दुश्मन है आपका, उसके अटैक आ गया। अब अटैक आने पर इसके मन में आने, अच्छा हुआ मर जाए यार, तो मर जाए तो अच्छा है यार, अब वो तो जिंदा बच करके वापस आ गया, ठीक होकर के वापस आ गया। तो इसको ऐसा लगता है ये क्या हो गया, ये क्यों निकल करके आ गया, इनको क्यों सही डॉक्टर मिल गया। ये जो इच्छा है ये कषायों के अनुसार इच्छा है, नीचा दिखाना चाहता है। ऐसी ऐसी इच्छाएं होती है, मान कषाय मेरा नाम आना चाहिए, मेरा नाम तो भूला ही नहीं इन्होंने, अब ये इच्छा से दुखी हुए जा रहा है। अरे क्या दम है, कोई व्यक्ति ने मंच से तेरा नाम लिया तो लिया और नहीं लिया तो नहीं लिया, लेकिन अंदर में इच्छाएं बढ़ती रहती है, मेरा नाम तो लिया ही नहीं इन्होंने, अच्छा हमारा नाम छापा ही नहीं इन्होंने, पत्रिका में नहीं छापा, अच्छा अब ये कषाय है अंदर में, खाम खा की गांठ बांध करके रखता है अपने कषाय भाव के कारण, और स्वयं ही आकुलित व्याकुलित होता रहता है। भाई साहब कषाय तो आ गए, जहां होगी वहां दुख होगा। बहुत सुंदर प्रश्न है राजेश भाई आपका, विषयों पर कंट्रोल कैसे करें। विषयों पर कंट्रोल थोड़ी ना करना है, इच्छाओं पर कंट्रोल करना है। ये सब इच्छाओं पर कंट्रोल कैसे करें, टोडरमल जी बतलाएंगे आगे चल करके। तत्व ज्ञान का अभ्यास ही इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने का उपाय है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तत्व ज्ञान का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, वस्तु स्वरूप का विचार करो। अरे जब वस्तु स्वरूप का विचार कर लिया, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, अब बतलाओ अब क्या होगा। जब आपने वस्तु स्वरूप का विचार कर लिया कि यार ये ऐसा ही होना था, ये ऐसी परिस्थिति बननी थी, अब आपको क्या टेंशन है। अब देखो तकलीफ तब होती है, हो रहा है कुछ, करना चाहता है कुछ, समझ में आ रही है बात। जानने में नहीं आया ये है वस्तु स्थिति, तो सहज रहो ना। अभी ये कह रहे हैं विषय ग्रहण की हुई ये बात। दूसरे नंबर पर बात की कषाय, कषाय से काम करना चाहता है, गुस्से से बच्चों को डांट डांट करके काम कराना चाहता है, इसने मेरा कहना क्यों नहीं माना, मानना चाहिए इसको, ये मानता ही सुनता ही नहीं है ये मेरी, तो तेरी कषाय है, कषाय के अनुसार काम कराने की इच्छा है। और टोडरमल जी का वाक्य पढ़ लो आगे, यहां भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है, कषाय से पीड़ा है, कोई दूसरी कोई पीड़ा नहीं है, खुद की कषाय के कारण खुद ही दुखी हो रहा है, दुनिया ने तेरे को दुखी किया नहीं है। जानने में नहीं आ रहा था तो किसी ने तेरे को दुखी किया नहीं था, खुद की कषाय है, खुद ही दुखी हो रहा है, सामने वाला नीचे कैसे हो जाए, दूसरे को नीचे कैसे दिखाए। दुनिया में जितने षड्यंत्र चलते हैं वो सारे दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को बेइज्जत करने के लिए, दूसरों की इंसल्ट हो जाए इसके लिए, ये ऊपर नहीं चढ़ जाए, ये मेरे से आगे नहीं निकल जाए, ये जितनी बातें दुनिया में सब जगह पर, जो अपने देवगति के जीवों में देखा था ना ईर्ष्या के दुख, ये मनुष्य गति के जीवों में कम थोड़ी ना ईर्ष्या। हर व्यक्ति जलने वाला मिलेगा, हर व्यक्ति चिढ़ेगा आपसे, कोई व्यक्ति कोई व्यक्त कर देता है, कोई व्यक्त नहीं करता है, किसी की जवान पर आ जाता है, किसी की जवान पर नहीं आता है, हर व्यक्ति चिढ़ रहा है, एक दूसरे से जल रहा है, दूसरों की बढ़ती नहीं सुहा रही है, दूसरों का वैभव नहीं सुहा रहा है, ये इच्छाएं हैं कषायों की। अगला वाक्य देखो, परंतु जब तक वह कार्य न हो तब तक महाव्याकुल होता है, इस इच्छा का नाम कषाय है। अब हमारे को बहुत तेज गुस्सा आया, कल तक ये काम हो जाना चाहिए, नहीं तो देख लूंगा मैं, अब कल की जगह परसों हो गई, अब क्या करो बोलो, अब ये मां दुखी होता है, इसका नाम कषाय की इच्छा थी, काम हुआ क्यों नहीं, काम हो जाना चाहिए था, इतना गुस्सा किया क्यों कर रहा है भाई, आग है ये, क्यों तड़प रहा है भाई, स्वयं ही जल रहा है, अंदर में कषायों का बारूद बिछा हुआ है। ज्ञानचंद जी पंडित जी साहब के शब्दों में कहूँ तो बारूद बिछा हुआ है अंदर में, चिंगारी दिखाने की देर है। अब वो चिंगारी क्या है, बोले ये अगले पॉइंट में आएगी चर्चा, अभी तो ये है परिस्थितियाँ कुछ भी हो, खाम खां का दुख है, कषाय का दुख, सोच सोच करके दुखी है, किसी ने दुखी किया नहीं, बच्चों ने दुखी किया नहीं, परिवार वालों ने दुखी किया नहीं। अच्छा पड़ोसी यदि अपने घर में दो मंजिल और चढ़ा रहा है तो किस तुझे तुझे क्या तकलीफ है, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तकलीफ क्या है, सर दर्द हो रहा है कि पेट दर्द हो रहा है, क्या हमारा मकान छोटा हो गया। पड़ोसी के यदि महंगी गाड़ी आ गई, मान लो 3 करोड़ की गाड़ी पड़ोसी ने खरीद करके लाया है, तो तुझे तुझे किस बात की तकलीफ, इसमें तकलीफ क्या होती है। ये टोडरमल जी ने जो ये कहा है ना, और कोई पीड़ा नहीं है, ये तेरी कषाय ही पीड़ित कर रही है तुझे,
और कुछ नहीं है, कषाय पीड़ित कर रही है, इसका मतलब तेरी सोच पीड़ित कर रही है, खुद ही पीड़ित हो रहा है, खुद ही पीड़ित हो रहा है, आकुलित व्याकुलित हो रहा है, सोच सोच करके आकुलित व्याकुलित हो रहा है। क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। अपनी कषायों को जीत और खुद सुखी हो जा, मत कर कषाय। अब ये सोच ले, जरा उल्टा सोच ले, यहां पर क्या सोच ले, ऐसा ही होना था, कोई बात नहीं, मैं तो सहज हूं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं माना तो नहीं माना, हमारा काम कहने का था, नहीं माना तो नहीं माना। तू यदि ये सोच ले वे कि नीचा दिखाने की इच्छा तो है, लेकिन नीचा होना तो भवितव्याधीन है। अभी यदि तू भवितव्यता की पावर को समझ ले वे, भगवती भवितव्यता, ऐसे शब्दों के प्रयोग किए आचार्यों ने, भगवती भवितव्यता, ये भवितव्यता की पावर कुछ अजब गजब की है, भवितव्यता की पावर। ये कह रहे हैं यदि तुमने इस भवितव्यता की पावर को समझ लिया क्या, तो आपको ये तकलीफ मिट जाएगी। लेकिन क्या करें, जब तक कषाय के अनुसार कार्य नहीं होता तब तक महाव्याकुल होता है। इस इच्छा का नाम कषाय है, कषाय की इच्छा है। पॉइंट नंबर 3, क्या नंबर दिया था भाई साहब, क्या नाम था बेटा, क्या था पहली इच्छा, कौन सी थी, विषय ग्रहण की इच्छा, दूसरी है कषाय की इच्छा, और तीसरी है पापोदय में इच्छा। और बड़े पंडित जी का वाक्य याद आ रहा है पाप और पुण्य के संदर्भ में, पंक्तियां हैं 2 लाइनें, पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मन वांछित हो। गजब लाइनें हैं वैसे, कितनी सुंदर लाइनें। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मन वांछित हो। पापोदय में चाह व्यर्थ है, पाप के उदय में तेरी चाह, तेरी इच्छाएं व्यर्थ है। पाप के उदय में तू कितना भी चाह, नहीं चाहने पर भी होगा, होके रहेगा वो, तू कितनी भी इच्छा कर ले, पापोदय में चाह व्यर्थ। और पुण्योदय में, बोले पुण्य के उदय में भी चाह व्यर्थ है, क्यों, क्योंकि तेरे को चाहने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही मनवांछित काम हो जाएंगे। जब पुण्य का उदय होगा तो मनवांछित कार्य अपने आप ही हो जाएंगे, तुझे इच्छा करने की जरूरत नहीं है। और पाप का उदय आएगा तो तू कितनी भी इच्छा करता रहे, जो होना है वो होके ही रहेगा, इसलिए पाप के उदय में भी इच्छाएं करना व्यर्थ है। ये पाप के उदय जन्य स्थितियों का चित्रण कर रहे हैं। जरा देखना अपनी घर गृहस्थी में और परिवार में, कि मैं दुखी अपनी इच्छा से हूँ या मैं दुखी बच्चे के कहना नहीं मानने से हूँ, मैं अपनी कषाय से दुखी हूँ या बच्चे के सामने जवाब देने की वजह से दुखी हूँ। सोचना गहराई से, मैं अपने जानने विषय ग्रहण करने की इच्छा से दुखी हूँ या नेटवर्क नहीं आ रहा है इस वजह से दुखी हूँ, इंटरनेट नहीं आ रहा है, मान लो नेटवर्क नहीं आ रहा है, टीवी नहीं चल रही है, लाइट नहीं आ रही है, कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, तो आप किस बात से दुखी हैं? कनेक्टिविटी नहीं मिलने से दुखी हैं कि कनेक्टिविटी मिल क्यों नहीं रही, इस इच्छा से दुखी है। सुबह से शाम तक यदि आप अपने दुख को देखेंगे, क्योंकि टोडरमल जी ने कहा है सामान्य स्वरूप है ये दुख का, क्या ये दुख का सामान्य स्वरूप है, इसका मतलब आपके 24 घंटे होने वाले दुखों में, क्या निरंतर होने वाले दुखों में आप इस चीज को फील करेंगे तो आप पाएंगे कि मैं अपनी इच्छा से दुखी हूं। क्या देखिए जरा क्या कह रहे हैं, एक इच्छा पाप के उदय से जो शरीर में या बाह्य अनिष्ट कारण मिलते हैं उनको दूर करने की होती है। 2 भागों में बांट दिया है इसको, एक तो शरीर में और दूसरा कह दिया बाह्य अनिष्ट कारण मिलने पर। क्या कह दिया, एक तो कह दिया शरीर में, या तो शरीर में हो पाप के उदय से और या फिर बाह्य कारण मिलने पर हो। अब इन दोनों के लिए टोडरमल जी ने उदाहरण भी दे दिए, जैसे रोग पीड़ा क्षुधा आदि का संयोग होने पर उन्हें दूर करने की इच्छा होती है, बीमारी हो गई। अब बोलो क्या चल रहा है आपको, बीमारी का दुख नहीं है, क्या बात कर रहे हो सर, बीमारी से कैसे दुख नहीं। कई बीमारियां ऐसी होती है जिन बीमारियों के अंदर दुख नहीं होता, जैसे बाल झड़ने की बीमारी, दर्द नहीं होता, चेहरा काला पड़ गया, पता नहीं क्या बीमारी थी,
इस बीमारी की वजह से शरीर का मतलब शिथिल हो गया, दुबले पतले हो, वजन घट गया। अब ये वजन घट गया आपकी बीमारी की वजह से, अब ये ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से कहीं दर्द हो रहा हो, दुख हो रहा हो, तकलीफ हो रही हो वजन घटने से। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं तू उसमें दुख मानता है उस संयोग की वजह से, अनिष्ट कारण मिल गए हैं उनको दूर करने की इच्छा होती है, रोग हो गया, बीमारी है, पीड़ित हो रहा है उससे, बीमारी से पीड़ित हो रहा है, रोग से पीड़ित हो रहा है, भूख लग रही है, भूख लग रही है, संयोग चाहिए, लड्डू चाहिए खाने के लिए, मेवा मिष्ठान चाहिए हमारे को, नहीं कोई बात नहीं, नहीं हो तो भी चलेगा, सूखी रोटी चलेगी, लेकिन चाहिए। ये कौन सी इच्छा है? पाप के उदय में जो हो रही थी परिस्थिति उसे दूर करने की इच्छा है। लगाओ आप पाप के उदय में जो पीड़ा हुई है, अब ये पीड़ा मिट क्यों नहीं रही है, ये ठीक क्यों नहीं हो रही है? दुख उस पाप के उदय में होने वाले कार्य को दूर करने की इच्छा का है। पाप के उदय में जो इच्छा हो रही है वो इच्छा क्या है? दूर करना चाहता है, क्योंकि पाप के उदय में प्रतिकूल संयोग बनते हैं। दुनिया में जितने भी प्रतिकूलताएं होती हुई दिखाई दे रही है, उन सारी प्रतिकूलताओं के पीछे यदि कोई कारण था तो वह एकमात्र कारण था पाप का उदय। प्रतिकूलताएं पाप के उदय से मिलती है, अनुकूलताएं पुण्य के उदय से मिलती है। जो पुण्य के उदय से अनुकूलताएं होती है उसकी चर्चा तो पंडित जी नीचे वाले पैराग्राफ में करेंगे, चौथे नंबर का पॉइंट, क्योंकि वो पुण्य के उदय वाली इच्छा है। ये पाप के उदय वाली इच्छा में हटाना चाहता है और पुण्य के उदय वाली इच्छा में सटाना चाहता है। पुण्य के उदय की इच्छा में काम हो जाए ऐसा चाहता है, और पापोदय वाली इच्छा के अंदर जो काम हो रहा है उसे हटाना चाहता है। बीमार पड़ गया, बीमारी दूर करना चाहता है। प्रतिकूल संयोग मिल गए, उन प्रतिकूल संयोगों को हटाना चाहता है। समझ में आ रही है बात? मुझे इसकी शक्ल देखना पसंद, हटाओ इसको। पाप के उदय में ऐसा मकान मिला है जिसके अंदर रह नहीं पा रहा है, आए दिन सांप निकलते हैं, हो जाते हैं कभी ऐसे। हमारे महावीर नगर में थे, जांजरी जी के घर में ऐसा होता था, ऐसा सांप ही आते थे घर में ही। बेटे उनके जांजरी जी के, मैंने ऐसे ऐसा होता था, खूब सांप आ जाते थे आए दिन घर में, जब देखो तब सांप ही दौड़ रहे हैं घर में। वो इतने डरते थे सांप को देख देख करके, आए दिन और उतने बड़े बड़े सांप घर में, कभी इधर से भाग रहे हैं, कभी उधर से भाग रहे हैं, बहुत घबराहट रहती थी चित्त में। बोलो माने कल्पना करो आप, आपको ऐसा प्रतिकूल घर मिल गया, आपके बिच्छू निकल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, हैं घर घर में छत ही टपक रही है आपकी, ऐसा मकान मिल गया आपको। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो पाप के उदय से मिला है, अब आपकी इच्छा क्या है? काश मकान बदल जाए, काश छत टपकना दूर हो जाए, काश ऐसी गाड़ी ऐसा हो जाए। तो ये जो इच्छा है ये पाप के उदय जन्य इच्छा है। यहाँ टोडरमल जी ने स्पष्ट कर दिया, उन्हें दूर करने की इच्छा होती है, तो यहां यही पीड़ा मानता। देखो ऊपर क्या था, कोई पीड़ा नहीं है, यहां भी अन्य कोई पीड़ा नहीं है। समझ में आ रही है बात? अन्य कोई पीड़ा नहीं है, और वहां भी ऊपर एक नंबर पॉइंट में भी लिखा था यहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है। यहां ये नहीं लिख रहे हैं टोडरमल जी, यहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है, ये कह रहे हैं यहां यही पीड़ा है, और है नहीं, मानता है, सारा खेल मान्यता का है। यार एक एक शब्द कितना गंभीर देते हैं टोडरमल जी, मेरे को ऐसा लगता है क्या गजब चिंतन प्रस्तुत करते हैं। ऊपर कह रहे थे अन्य कोई पीड़ा नहीं है, तीसरी लाइन पहले पॉइंट की, वहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में देखो, यहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है, नहीं है कह रहे थे, और यहां तीसरे पॉइंट की तीसरी लाइन में देखो, यहां अन्य कोई पीड़ा नहीं है, नहीं 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 यही तो पीड़ा है क्या? वहां तो कहा था अन्य नहीं है, नहीं है, और यहां कह रहे हैं यही पीड़ा है और है नहीं, एक मानता शब्द दे दिया क्या? इसका मतलब ऊपर वाली जो दोनों इच्छाएं थी वो दोनों इच्छाएं तो खामखां की थी, सोच सोच करके दुखी था अपनी कषाय से, दे जान नहीं पा रहा हूं, देख नहीं पा रहा हूं, सोच करके दुखी था। और यहां ये कह रहे हैं शरीर में ऐसा, ये तो हकीकत है ना, ये तो वास्तव में तकलीफ है ना, बीमारी हो रही है,
कह रहे हैं ये भी तकलीफ नहीं है, तू मानता है अपनी उल्टी मान्यता से, तेरी मान्यता में दोष है, तेरी मान्यता में खोट है, तेरी सोच में गड़बड़ी है, श्रद्धा में गड़बड़ी है, इसलिए मानता है माने श्रद्धा की विपरीतता है, जानता है माने ज्ञान दर्शन की बातें, जानने की बातें, ठीक है ना। मैं ऐसा भी कह सकता हूं यदि इन तीनों बिंदुओं को मैं श्रद्धा ज्ञान चारित्र की विपरीतता के अर्थ में कहूं, तो पहले पॉइंट में था ज्ञान की विपरीतता, दूसरे पॉइंट में था कषाय भाव थे ना चारित्र की विपरीतता, और तीसरे पॉइंट में मानता है ये श्रद्धा की विपरीतता। बात समझ में आ रही है आपको? माने टोडरमल जी की बातें, विशेष बातों में गहराई बतला रहा हूं मैं आपको, जो पहले पैराग्राफ में जो बात थी, जानने देखने के संदर्भ में बात थी ना, ये ज्ञान की विपरीतता के संदर्भ में। जानना देखना दुख का कारण नहीं था, लेकिन विपरीतता थी कि मैं जानू जानू जानू, ये ज्ञान का। फिर दूसरे में क्या थी? कषाय 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 होती है चारित्र से, चारित्र की कमजोरी से, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से, तो कषाय जन्य इच्छा थी, ये चारित्र से हो गया। पहले में ज्ञान की बात कही, दूसरे में चारित्र की बात कही। अब इस तीसरे पॉइंट के अंदर पीड़ा मानता है, ये मानता है ये श्रद्धा का दोष है, तो ज्ञान चारित्र और श्रद्धा माने श्रद्धा ज्ञान चारित्र की विपरीतता इस जीव के दुखों का कारण बनती है, ये टोडरमल जी यहां कहना चाह रहे हैं। ये तीन प्रकार की इच्छाओं की बात हुई, और देखो मानता तो है, और जब तक वे दूर न हो तब तक महाव्याकुल रहता है। अब दूर करना चाहिए, जब तक दूर नहीं हो महाव्याकुल है, महाव्याकुल है ये, जब तक दूर नहीं हो तब तक। इस इच्छा का नाम पाप का उदय है। इस प्रकार इन तीन प्रकार की इच्छा होने पर सभी दुख मानते हैं, सो दुख ही है सारे लोग। अब अंतिम लाइन के अंदर तीनों में सब मान्यता की बात की, सब मानते हैं दुख। अरे साहब क्या करूं साहब, जान नहीं पा रहा हूं साहब, पता नहीं लग पा रहा है साहब, क्या करूं साहब, इतना तेज गुस्सा आ रहा है, मैं क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं साहब, इतना तेज तकलीफ है, शरीर में घुटने दर्द कर रहे हैं। अब ये सब व्यक्ति इन तीन में तो सब दुख मानते हैं, अब चौथे में स्थिति थोड़ी सी अलग हटके है। चौथे में है तो दुख और मानता नहीं है जगत जन, क्योंकि वो पुण्य उदय है ना उस इच्छा का नाम। पाप के उदय में तो सब दुख मान रहे हैं, पुण्य के उदय में कौन दुख मानेगा? तो पुण्य के उदय में कोई व्यक्ति दुख मानता नहीं है, यह पुण्य उदय जन्य इच्छा वो भी किस प्रकार से दुख का कारण बनती है, इसकी चर्चा हम कल यथा समय आपके बीच में करेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। एक छोटी सी सूचना जो आपको दी जा चुकी है पहले भी, सुबह के प्रवचन में तो नहीं दी है, शाम को तो दी जा चुकी है। आपको यदि ये ग्रंथ चाहिए हो, चूँकि खुल गई है धीरे धीरे से स्थितियाँ, लॉकडाउन खुल रहा है देश में, हमारे यहाँ से डिस्पैच की व्यवस्था शुरू हो गई है, आपको यदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ चाहिए हो आप अवश्य हमारे को सूचित करें, एड्रेस बतलाएं। यहाँ लिखने में थोड़ी सी कष्ट होता है, और हमें देखने में और यहाँ से निकालने में भी एक एक को नोट करना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है, देखना पड़ता है, तकलीफ होती है। एक टेलीग्राम का जो ग्रुप है, यहाँ आपको लिंक भी दी हुई है, आप उस लिंक को टच करेंगे टेलीग्राम पर सीधे आप वहाँ खुल जाएंगे, और जैसे ही आप खुलेंगे वहाँ आप अपना एड्रेस दे दीजिए, नाम एड्रेस पिन कोड नंबर मोबाइल नंबर, और कितनी प्रतियाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक चाहिए हो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आपको शाम को चलता है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वो चाहिए हो, वो प्रतियाँ आप सूचित करें, हम आपके पास में भेजने की व्यवस्था करेंगे। इतनी ही बात कहनी थी, हम शुरू करते हैं जन्माणि स्तुति। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवारी है।